तो अभी मैं तुर्की की बहुत फेमस मस्जिद में हूँ, आया सोफिया में। और हम लोग जो है बॉस्फोरस टूर के लिए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूँ तुर्की में। अभी जो है मेरे पीछे है आया सोफिया और मैं इसके अंदर जाने लगा हूँ। तो अभी मैं तुर्की की बहुत फेमस मस्जिद में हूँ, आया सोफिया में। और पहले जो है ये चर्च था और उसके बाद ये म्यूज़ियम बना और अभी ये मस्जिद है। वहाँ पर जो है लोग नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आएंगे। बहुत पीसफुल जगह है ये और बहुत ब्यूटीफुल है अंदर से। और इतनी पुरानी मस्जिद है और इसका आर्किटेक्चर, इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पर इतना सुकून मिल रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन टाइम की किल्लत है, अब आगे भी जाना है। अल्लाह अकबर। तो बाहर चलते हैं, बहुत मज़े की जगह है। अगर आप लोग कभी भी इस्तांबुल आ रहे हो तो भाई ये कभी मिस नहीं करनी जगह। एक्चुअली मुझे जाना था टॉपकपी पैलेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 5 बजे बंद हो जाता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ, सोच रहा हूँ ग्रैंड बाज़ार जाऊँ, लेकिन ग्रैंड बाज़ार में मैं कल गया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो ब्रांड्स वगैरह की शर्ट्स होती हैं वो इतने एक्सपेंसिव, मतलब 700 दरम, 800 दरम, और यूरोस और डॉलर से तो कम बात ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई हम तो पाकिस्तानी लोग हैं और तुर्किश लीरा में बात करो, तो इतना लूट रहे हैं। जो शर्ट वगैरह मैं देख रहा था इवन मॉस्को से ज़्यादा महंगी दे रहे थे। तो मैंने कहा यार मॉस्को से भी ज़्यादा महंगे हो गए तुम लोग तो। अजीब यार वहाँ पर ना, थोड़ा एहतियात करो अगर आप लोग आ रहे हो ग्रैंड बाज़ार वगैरह। तो ये लोग बहुत महंगा देते हैं, बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल करें। अभी जो है टॉपकपी पैलेस तो बंद हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि बॉस्फोरस का ही ट्रिप ले लूँ। अब कभी फिर कभी देख लेंगे, कल अगर टाइम मिला तो कल चले जाऊँगा। यहाँ पर अभी गर्मी हो रही है हल्की हल्की, मतलब यहाँ के मौसम को पता नहीं चलता, कभी भी ठंड हो जाती है, कभी भी गर्म लगने लगता है, कभी ठंडी हवा आती है। तो ये इस्तांबुल है। हम लोग जो है बॉस्फोरस टूर के लिए जा रहे हैं और सामने जो है हमारे टूरिस्ट गाइड हैं तो उनको सब फॉलो कर रहे हैं। और 2 घंटे का जो है ना शिप में सफ़र है और उसमें पूरा बताएगा वो हिस्ट्री वगैरह, तो देखते हैं ये सफ़र कैसा होता है। और ये बॉस्फोरस का जो ट्रिप है ये आया सोफिया है उसके बाहर से ही जो है ना आपको मिल जाता है। और 150 लीरा बोलेंगे लेकिन 100 लीरा में जो है ना ये लोग मान जाते हैं, तो बार्गेनिंग जो है करनी पड़ती है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आगे जा रहे हैं। One and a half hour and 2 hours, so we can show you. And my name is Ergün. Look, there are so. It was built 1867. पीछे जो जगह है ये
प्रिंस अतातुर्क ने जो है अल्बानियन लोगों को दी थी, तो इसलिए इस जगह का नाम जो पीछे है इसका नाम अल्बानिया पड़ गया, अल्बानिया नाम ऐसा कुछ। और यहाँ पर बहुत फेमस सा फिश रेस्टोरेंट है, पर बहुत मज़े का है और सुकून है, ठंडी हवा है। कभी भी अगर इस्तांबुल आ रहे हो तो ये बॉस्फोरस ट्रिप जो है ज़रूर लें, और इतना महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता ट्रिप है, आप पूरा इस्तांबुल जो है देखते हुए जाते हो। बाकी इस्तांबुल बहुत खूबसूरत है, पहले मैं समझ रहा था कि मॉस्को ज़्यादा प्यारा है, लेकिन इस्तांबुल की भी अपनी बात है, इस्तांबुल भी बहुत प्यारा है। जब आप नए नए आते हो तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब टाइम गुजरता है इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, तो फिर आप चीज़ें देखते हो, नई जगहें देखते हो, फिर आप लोगों को अंदाज़ा होता है। तो अभी जो है हम लोग एशिया की तरफ जा रहे हैं, शायद हम लोग यूरोप क्रॉस करते हुए एशिया की तरफ जा रहे हैं। पोर्शन बने हुए हैं, एक ऊपर का वो ओपन है और नीचे का जो है वो बंद है। जो है मैं नीचे के पोर्शन में बैठा हूँ, जो टूरिस्ट गाइड है वो आप लोगों को चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में जो है साथ साथ बताता जाता है। तो बेहतरीन जो है सफ़र जा रहा है और इतने अमेजिंग व्यूज़ हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, और खाना पीना भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर लोग जो है ना बोट में पार्टी भी करते हैं, डांस करते हैं, हल्ला गुल्ला। मुझे पता होता तो मैं पार्टी बोट में ही जाता, कल पता करूँगा कि वो कहाँ से होते हैं। तो अगर आप लोग पार्टी वगैरह के शौकीन हैं, डांस वगैरह के शौकीन हैं, तो पार्टी बोट्स वगैरह भी यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप लोग वो भी बुक कर सकते हैं। लेकिन ये भी सही, अगर आप लोग फैमिली वगैरह के साथ हो तो ये बोट जो है ना बहुत अच्छा है, इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता है, 100 तुर्किश लीरा में और क्या मिलेगा। सब लोग जो है फ्रेंडली है यहाँ पर, और व्यूज़ तो इतने अमेजिंग है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैंने चाय बनवाई है और साथ में ये केक, और ओनली 10 लीरा में दोनों। ये एरिया जो है ये खाने पीने का एरिया है। तो है रात हो गई है और मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ, थोड़े से पनोरमिक व्यू ले आप लोग को दिखाऊं। भाई इन लोगों ने बोला कि अगर आप लोग को रुकना है तो रुको, अगर जाना है तो जाओ, तो मैं तो थोड़ा थक गया था तो इसलिए मैं आ गया, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का सफ़र था और बहुत मैंने एंजॉय किया।